नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, बच्चे सवेरे उठ गए थे स्कूल जाने के लिए, तैयारी कर रहे। 7 बजने में रह रही 10 मिनट और बच्चे लगभग तैयारी हो लिए। ये हो रही तैयारी इनकी। आज लेट क्यों हो गए तुम? लंच में क्या बनाया? ईशु की पसंद का राजमा। रात पहले तो ये था कि नहीं, आलू पिया नु कहती मम्मी आलू तो नहीं लो पतले वाले। अच्छा, मैं तो उसी की तैयारी में थी, कहती ब्लैक करवा के जब वो क्या लगी मम्मी मैं तो राजमा ले जाऊंगी। फिर रात को ही भिगोया तो लेट के उसके बाद ही बस थोड़ा सा उसमें टाइम लगी जा बनाने में। चलो कर दो फटाफट तैयार। मुझे रोटी बनानी। मैं बताऊं क्या? नहीं बस आप वो कर दो, सब्जी निकाल दो क्योंकि ठंडी करनी, बस मैं बना क्या। ठीक, तो ईशु तो तैयार हो ली, गुड्डू तैयार होने लग रही। और आज बनाया मैडम ने राजमा। ये मैं थोड़ा सा निकाल दो इसका, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने पे क्या हो, स्कूल में ले जाना बॉक्स में, तो वो खराब होने के कम चांस रहे। और कितना देर लगाओगे? 7 बज गए, 7 बज के 2 मिनट हो गए, लेट हो जाएंगे। पता नहीं लेट हो गया इतना, मतलब टाइम पर उठी, पता नहीं क्या हुआ, बस खा लिया बच्चों ने, लगा रखी। ईशो क्या टीवी में ही लगी रहे, फटाफट खा बेटा, देर होगी। कन्हैया ने बाइक काट ली बाहर खड़ा। टिफिन लिया अपना? टिफिन रख, गुड्डो तो भी रख अपना, फटाफट जल्दी। गुड्डो वाला भी रखवा दे, ये रख फट दे। दवाई ले रही थी क्या? इसके बैग में रख दीदी का बैग कहा दे जी। इसी कमरे में चलो चलो, जो काम तो सौरों के ही हो रहा, बता क्या है। किस साइड को जावांगे? चश्मा ले लिया गुड्डू? चश्मा अब और 2 मिनट यो लगा होगा। तो बच्चे तो चले गए थे और बस फिर मैं करने लगी हूँ अपना काम। और बस सबसे पहले करूँगी ऑफिस की सफाई, योग वगैरह भी कर लिया मैंने उनको भेजने के बाद, उसी के बाद ऑफिस की सफाई कर रही हूँ। और आज थोड़ी सी भागदौड़ सुबह ही सुबह हो गई है, वो इसलिए आपको उसका कारण बता दूँ। असल में हमारी जो प्रेस है वो हो गई है ख़राब, हो तो ली वो 2-3 बार, वैसे 4-5 साल हो चुके हैं उसे चलते हुए, अब हुआ 2-3 बार करके ख़राब होगी। और ख़राब भी हमेशा ऐसा होती है, जैसे उसे ठीक करवा मतलब चलती चलती रखते हैं तो वो फिर चलती नहीं जब दोबारा यूज करें, अगर चलते हुए हो जाए तो उसका पता भी चल जाए। तो शाम क्या हुआ, जब मैं प्रेस करने लगी तो वो चली नहीं, जब बच्चों की ड्रेस पकड़नी थी तो फिर मैंने काफ़ी देर उसे ट्राई करती रही। तो फिर बाद में दुकान से मंगाई थी प्रेस और ले भी आया था रात को ही कन्हैया, तो रात को मैं करने वाली भी थी, मैंने सोचा ला कर लूँगी प्रेस। इसके पापा कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, सुबह ही कर लेंगे, मैं करवा दूँगा, कोई नहीं रहने दे। तो मैं भी थोड़ा सा आलस कर गई। तो फिर वो सुबह ही सुबह वो जो प्रेस भैया वाली है वो है भारी, उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है। और फिर इसके पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी थी तो मैंने उनको तो
उठाया नहीं, अपने आप ही जैसा सब्जी सुब्जी उबलने के लिए रख दी राजमा, तो मैं प्रेस करने के लिए लग गई। वो ही बस उसमें टाइम लग गया मुझे प्रेस गर्म होने में, और बस उसकी वजह से ही मुझे थोड़ी सी आज लेट हो गई। और थोड़ा सा ही लेट हो जाना तो मन एकदम मेरा परेशान सा हो जाता है। हालाँकि टाइम पर चले गए बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है कि ज़्यादा ऐसी भाग दौड़ करनी पड़े है। अगर हम थोड़ा सा टाइम पर सारा काम टाइम से पहले हो जाए तो फिर मन भी शांत रहता है और काम भी अच्छे से होता है। अब काम भी हो गया सारा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूँ रह गया मगर कभी लेट ना हो जाए, तो यहाँ यही कारण था। और नुकसान तो आजकल मेरे कुछ ना कुछ होते ही जा रहे हैं, हर चीज़ ख़राब होती जा रही। जितना सोच रही कि अभी थोड़ा सा मगर रुक कर लेंगे, लेकिन इतना ही और ज़्यादा, अब प्रेस भी लेनी पड़ेगी। और बस फिर इसी वजह से मुझे यही कारण था आज लेट होने का। तो यहाँ पे बस फिर मैंने पहले बेड शीट चेंज कर दी है बेड की, उसके बाद झाड़ू लगा दी, पोचा लगा दिया, तो ऑफिस की क्लीनिंग हो गई है कम्प्लीट। उसके बाद बस मैं नहा धो के अब आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। सब्जी वगैरह तो आपको पता ही है सुबह ही बन जाती है जब बच्चे जाते हैं, तो यहाँ बस मुझे अब चाय बनानी है, रोटी बनानी। कान्हा जी के लिए दूध करके दे दिया है, कन्हैया लगाया है भोग, उसके बाद बस अब मैं बना दूंगी फटाफट रोटी और इन दोनों को दे दूंगी, दोनों भाई अपना नाश्ता कर लेंगे। बस सुबह की तो थोड़ी सी जो सुबह का टाइम होता है 5 बजे से 10 बजे तक तो पूरी भागम भाग रहती है, मतलब जिस टाइम भी उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे जितना भी होता है तो पूरी 10 बजे तक तो पूरी भाग दौड़ रहती है। तो क्योंकि काम का सुबह ही ज़्यादा बर्डन होता है, काम भी ज़्यादा होता है, दिन में यह है कि कर तो लेते हैं लेकिन आराम से होता है, सुबह ज़्यादा जल्दी रहती है। तो यहाँ पर बस कन्हैया पहले ले गया है अपने भाई का नाश्ता, फिर अपना भी ले लगा, दे देता है कन्हैया, काफ़ी हेल्प करता है मेरी, यानी है कि करता नहीं, सारे काम में ही जो भी मतलब खाना खुना दे देगा जैसा गुड्डू नहीं होती, और वो भी अपना ले लेता है। मैं बोलती हूँ मैं कह दे दूँगी, कह देगा कि आप बना दो रोटी और मैं ले लूँगा। और अभी कन्हैया की और इसके पापा की दोनों की तबीयत डाउन है, बस खाना खुना खा के वो भी लेंगे दोनों दवाई। तो फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह करके और मैंने देखिए अपनी किचन कर दी है बिल्कुल क्लीन, आप देख सको बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, गैस मैंने कम कर दी है, अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे पकता रहेगा। और इधर कर दिए हैं बर्तन इकट्ठे, और सुबह का टाइम तो देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं मेरे, क्योंकि सुबह ज़्यादा ही होते हैं चाय नाश्ते के। और बस किचन का काम हो गया, अभी रह गया घर का। घर तो मेरा पूरा ऐसे ही फैला पड़ा, दिखा दूँ आपको, ये देखो सारा घर। अभी अंदर भी बिस्तरे तय तो कर दिए थे, ला कर तो उधर से रख दिए थे, लेकिन अभी लगा ही नहीं, सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा। बस इसमें भी मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, थोड़ा ही लगेगा, इस कमरे में ज़्यादा रहता है। अब ये प्रेस के कपड़े रखे थे, ये भी लगाने, पहले अलमारी सेट करूँगी तब लगाऊँगी, क्योंकि फिर ऐसे ही भरे नहीं जाते, अगर रख दूँ तो ये भी फिर ख़राब हो जाए। और वो टेबल देखो, सबसे ज़्यादा यही टेबल फैलती है। तो खैर जी कर देती हूँ क्लीन पूरा घर, बस यहाँ पर ही मतलब डस्टिंग सी करनी है मुझे, और ये बेडशीट वगैरह झाड़नी है, बाकी तो इतना नहीं। ऑफिस में मैंने कर ही दिया था सुबह के टाइम, मैं अपना करने लगे हैं दोनों भाई काम, बस मैं फटाफट लग के यहाँ पे भी संगवा दूँ। और टाइम हो गया 9:30 बजे तक, वैसे ज़्यादातर हो ही जाता है, 9:30 तक भी हो जाता है, बस मैं आज थोड़ा आराम से तय कर रही हूँ मौका हो जाएगा। और थोड़ी किचन में भी अलमारी वगैरह साइड से करने में टाइम लग जाता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो खैर जी कोई बात नहीं, 10 बजे के बाद ही आंटी आती है, आंटी जब तक आती है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा घर बिल्कुल मतलब सेट हो जाए, क्योंकि फिर मैं डिस्टर्ब भी ना होवे और काम भी मैं आसानी से कर सकें, तो कर लेती हूँ। ये दिखा दूँ, ये देखे बच्चों में क्या करा, जितने भी पुरानी कॉपी थी इनकी सारी के जो कोरे पेज थे खाली, वो सारे फाड़ दिए। और मैंने ये कहा था कि जितने बच रहे इनमें थोड़े थोड़े में रब काम करते जाओ, लेकिन इन्होंने क्या करा, कल मुझे पता भी नहीं चला कि सारे पेज, और ये देखे कैसा, ये तो खराब ही हो गए, ये कहाँ यूज होंगे। कह रही कि मम्मी इनके सारों की एक जगह बाइंडिंग करवा के एक रजिस्टर इनका अच्छा खासा मोटा बन जाएगा रब काम करने के लिए। अब मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि आधे पेज तो इन्होंने फाड़ी ऐसे रखे इसमें, ये खराब कर लिए, ये देखो इस तरीके से, ये तो पता नहीं होगी नहीं बाइंडिंग, ये बच्चे ऐसे ऐसे काम करें, इतने की या कॉपी नहीं होने की जितने इसमें बाइंडिंग में पैसे लगेंगे, और वैसे ही कर लेती तो ज़्यादा ठीक था।
ये सारा इन्होंने कर दिया। और अब देखिए बस मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग, और सबसे पहले तो सारा सामान मैंने उठा दिया यहाँ से। आपने देखा ही होगा कितना सारा फैला पड़ा था सारा सामान। सुबह ही बच्चे कहीं बुक गिर देते हैं, जैसा बैग भी लगाते हैं ना, या खेलते हैं दिन में, कुछ पढ़ते हैं खेलते हैं, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। और वैसे एक बात है ये कि शायद ये भी मेरी कमी है कि बच्चों को ना सिखाना चाहिए सारी चीज़ें का, बोलती भी हूँ ना, लेकिन पता नहीं बस उनके पास एक कैसा कर देते हैं। जैसा मैं उनको बोलती भी हूँ, मैंने कहा बेटा जहाँ से सामान उठाया करो लेके आ करो वहीं रख दिया करो। कई बार तो मैं रख भी देती हैं लेकिन कई बार नहीं भी रख पाती, तो इस वजह से मेरा ज़्यादा काम फैल जाता है। और यहाँ पे बस मैं वो संगवाने में ही मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, हालांकि बेड शीट वगैरह तो एकदम झड़ जाती है, तो सामान उठाना धरना उसकी जगह वो भी एक डेली का ही रूटीन है, अगर नहीं रखते तो फिर काम ज़्यादा फैल जाता है। तो ज़्यादातर मेरी आदत है हर सामान को उसकी जगह रखना उसके ठिकाने पर, तो वो घर भी सेट रहता है उससे और सामान फिर ढूंढने में दिक्कत भी नहीं रहती, तो इस वजह से मैं रखती हूँ। और यहाँ आज ये वाली बेड शीट मैंने बिछा दी इस बेड पर, ये थोड़ी छोटी आती है क्योंकि ये बेड मेरा बड़ा, दूसरे वाले पर तो ये अच्छे से आ जाती है, तो ये वैसे बहुत सुंदर लगती है इस पर डल के। और जो इसके पिल्लो कवर है वो ना ख़राब हो गए, भद्दे से भी हो गए और उनकी ना सिलाई उधड़ गई और बड़े से आते हैं, अच्छे से फिट नहीं आते। तो अब ये दूसरी वाली बेड शीट के हैं जो बार दीवान वाली है, इस पर अच्छे से मतलब मैच हो जाते हैं, तो अब मैं यही वाले इसके ऊपर रखती हूँ। तो ये वाला देखे रूम मेरा बिल्कुल सेट हो गया। उसके बाद जो ड्रेसिंग पर मैं बता रही थी आपको मक्का वहाँ पर फैला पड़ा, तो वो भी सारा सामान सेट करके कर दूंगी उसको भी साफ। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, अब यहाँ पे भी बस बिस्तरे वगैरह लगा दूंगी। इसके पीछे दीवान के जो जगह है यहाँ पे मैंने रखी हुई है टेबल, तो इस पे जो बिस्तरे हैं हमारे ओढ़ने के बेडशीट मतलब ये चद्दर वगैरह वो मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा मतलब दिखता नहीं है वहाँ पे रख के, और स्पेस तो है ही वो भी यूज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे या तो मैंने कुछ निकाला होगा या रखा होगा, तो ये बेड मुझे उठा हुआ सा लग रहा था, मैं कभी दबाव पड़ के टूट जाए प्लाई, तो मैं वही सेट सा करके सामान को वो प्लाई मतलब बेड सही कर दिया मैंने। उसके बाद बस फिर डाल दूंगी बेड शीट। और ये वाली बेड शीट अब अंदर डल गया ना ये दीवान, पहले तो बाहर का क्या था हर एक दिन छोड़ के मैं इसको चेंज करती थी लेकिन बेड शीट को, लेकिन अब तो अंदर है ये, इस पर कोई भी नहीं बैठता इतना, और ये अच्छे से क्लीन पड़ी रहती है, ज़्यादा इसमें मतलब साफ ही रहती है, जैसा झाड़ती हूँ बस कन्हैया यहाँ पे सोता है या दिन में या रात को जब भी मतलब वही सोता है और कोई इतना यहाँ पे बैठता नहीं है। तो दूसरा रूम भी हमारा सेट हो गया, मैंने सोफे वगैरह झाड़ दिया और फिर खोल दिया खिड़की दोनों कमरों की, पीछे से आ रही है अच्छी तरह अच्छी सी धूप, तो खूब अच्छे से जो धूप आती है मगर ये बेड पे भी आ जाती है आराम से, तो कीटाणु से ख़त्म हो जाते हैं, तो इस टाइम मैं रोज़ खोल देती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद अब मेरी हो गई है डस्टिंग शुरू, मतलब बेडशीट वगैरह मैंने सोफे के कवर वगैरह सब झाड़ दिया, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी झाड़ पूछ भी कर लेती हूँ। ये भी दरवाजे खिड़कियों पे मैं लगभग 5-4 दिन में तो एक बार कपड़ा मार देती हूँ, पहले खिड़की बेड वगैरह सारे झाड़ दिए अच्छे से साफ कर दिए। उसके बाद अब जो दरवाजे हैं उन पर भी थोड़ा सा गिल्ला कपड़े करके निचोड़ के तो मैं सुखा के ही मारती हूँ, उससे क्या है ये धूल सी ना बिल्कुल क्लीन हो जाती है, दरवाजे एकदम चमक जाते हैं। वैसे तो सूखे कपड़े से भी कर लो लेकिन थोड़ा सा इससे मैं गिल्ले से इसलिए करती हूँ, इससे अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे एकदम चमक गया दरवाजे। तो यहाँ बस सारे घर की कर दूंगी अच्छी तरीके से क्लीनिंग, टीवी वगैरह जो भी बाहर जो हमारे वो लगे हुए हैं बटन सिल्वर और गोल्ड उस पर भी मैं लगा दूंगी। और पहले तो आपने देखा होगा 3-4 थे यहाँ पे, 2 गोल्ड बटन थे गोल्डन और 2 सिल्वर थे, तो अब मैं यहाँ से 3 दुकान पर चले गए, 2 सिल्वर और 1 गोल्डन, तो अभी 2 बचे हैं हमारे पास, 1 गोल्डन और 1 सिल्वर है यहाँ पे, तो वही लगे हुए और वहाँ पर दुकान पर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं लगाए हुए, और सब ना उन्हें देखते हैं आके और उनके साथ ना फ़ोटो वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि मतलब जो कोई काम करता है उनको ही पता है कि ये मतलब उनके घर में ही ज़्यादा मिलते हैं, सबके तो होते नहीं, तो जो कोई देखता है उनसे फिर वे अपना सेल्फी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बाद में मैंने
ये टेबल का भी कर दिया है कवर क्लीन एकदम। और बस अब ये जो पोट है ये रख दूंगी इसके ऊपर। और ये पन्नी से पता नहीं मॉइस्चर की वजह से क्या के चिपक सी जाती है, तो मैं इसे उठा रही देख रही बार बार मकई। तो क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखिए पूरा घर कर दिया मैंने अच्छी तरीके से सेट, और अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह भी कर दी है यहाँ पे, और दरवाजे वगैरह खिड़की सारे साफ कर दिया आज मैंने। बस अब सफाई होगी रूम, तो आपने देख ही लिया, एक बार और दिखा दूं। ये देखिए ये भी पूरा सेट हो गया, किचन तो हो ही गई थी और ये वाला भी हो गया पूरा। इस टाइम तो मैं बिल्कुल साफ कर दूँ, एकदम सेट कर दूँ, लेकिन अगले दिन सुबह ही फिर ऐसा ही हो जा, बच्चे ऐसे ही कर देते हैं। तो इस टाइम जाके फिर मेरा क्लीन होता है, शाम को तो खैर मेरे साथ, दिन में तो मैं रखती हूँ पूरा दिन अच्छे से पड़ा रहेगा, शाम के टाइम ही फैलता है जितना, और सुबह को बस भाग दौड़ सी ज़्यादा रहती है इस वजह से। तो खैर जी क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, और बस अब मैं करूँगी अपना वीडियो वगैरह एडिट। टाइम हो गया 10:10 होने वाले हैं, और आंटी अभी तक नहीं आई और आने वाली है बस। और यहाँ पे आज मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, मेरा हो गया नुकसान। ये देखिए जो ये मेरा फ़ोन है ये हो गया ख़राब, ये स्क्रीन इसकी अब काम नहीं कर रही, कभी कर रही कभी नहीं, और कभी बंद ही नहीं होती। ये गिर गया मेरे हाथ से कल नहीं परसों तो ये थोड़ा बहुत चल भी रहा था, और ये ब्लैक ब्लैक आप देख रहे होंगे, ये पूरा फ़ोन ख़राब हो गया। इसकी वजह से ये हैंग हो रहा, ना इससे बात हो रही ना इससे ये चल रहा, जैसा कुछ चला भी लेती हूँ तो स्क्रीन इसकी काम नहीं कर रही, कभी चली रही फटाफट और कभी मतलब बंद हो रही, ऐसा हो रहा। तो ये भी एक खर्चा बढ़ गया फ़ोन का। और गुड्डू को लग रही, गुड्डू कह रही मम्मी आईफोन ले लो, बस अब तो आईफोन लेने का मौका, बेटे आईफोन कहाँ लिया जा, अभी तो इसी से ही चलाऊंगी, देखूंगी अगर इसकी स्क्रीन चेंज होती है तो वो करवाऊंगी। तो खैर जी अब बस करूंगी वीडियो एडिट, और थक भी जाती हूँ सुबह से उठे हुए, 5:30 उठ जाऊँ, और इस टाइम तक तो 10:15 हो गए, तो थक जाती हूँ पूरी, भागम भाग रहती है ना पूरी, इसलिए अब तक मैं एक मिनट नहीं बैठी, बस नाश्ता ही करा होगा जो 2 मिनट लगे होंगे नाश्ता करने में। और बस अब वीडियो की एंडिंग करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।